अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? कैसी है मेरी YouTube फैमिली? आपको आपके चैनल ज़ाराज टिप्स एंड आइडियाज़ में पुरजोश तरीके से वेलकम कहते हैं। उम्मीद है कि सब अच्छे तरीके से ईद को इंजॉय कर रहे होंगे। आपके लिए कुछ मज़ेदार हैक्स। हैक नंबर वन ये है कि जब भी आप आलूओं को काटें, आजकल वैसे भी ईद के दिन चल रहे हैं तो आलू तो हर सब्ज़ी की जान होते हैं, मोस्टली सब्ज़ियों में हम आलू डालते हैं, तो आलूओं को जब भी हम काटें तो उनको काट के ऐसे ही ना छोड़ दें। अगर ऐसे ही छोड़ेंगे तो वो काले पड़ जाते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से उनका कलर अच्छा रह जाए, काले ना पड़े। तो उसके लिए एक शानदार सी टिप ये है कि आपने अगर उनको कुछ देर के लिए रखना है तो आप उनको पानी में डिप करके रखें। इस तरह वो काले नहीं पड़ेंगे और आपका सालन या सब्ज़ी या जो भी आप पका रहे हैं बहुत शानदार पकेगा। हैक नंबर टू ये है कि जब भी हम अपनी बेडशीट वगैरह सही करते हैं तो बेड के अंदर बेडशीट को डालने के लिए हमें बहुत मुश्किल पेश आती है, हमारे हाथ भी तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो उसके लिए एक शानदार सी टिप ये है कि आप उसके लिए एक कॉम का इस्तेमाल करें, एक कंघी के इस्तेमाल से आप अपनी बेडशीट को उसके अंदर इंसर्ट करें, बेड के अंदर, तो आपका काम आसान हो जाएगा और साथ में आपके हाथ भी तकलीफ़ में नहीं आएंगे और बहुत आसानी से आपकी बेडशीट भी अच्छी सी टक हो जाएगी। कैसा लगा आपको ये हैक? है ना मज़े का? हैक नंबर थ्री ये है कि जब भी हम शूज़ वगैरह रखते हैं, सर्दियों के मौसम के शूज़ हम पैक करके रख देते हैं और या फिर वैसे भी हम शूज़ वगैरह पैक करके रखते हैं, तो उसमें हम अखबार या फिर कागज़ के टुकड़े फोल्ड करके रोल करके उनको उसके अंदर पैक करके रख दें तो हमारे शूज़ या जूते या जॉगर्स वगैरह जो भी हैं उनमें स्मेल पैदा नहीं होगी, और जब स्मेल पैदा नहीं होगी तो आपको पहनना भी बहुत अच्छा लगेगा।